जिला अस्पताल में शाम को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक मरीज के अटेंडर को नर्स ने छाटा मार दिया। ये विवाद यही नहीं थमा बल्कि थाने तक जा पहुंचा। मरीज को छाटा मारते ही नर्स ने बहाना बनाना शुरू कर दिया। इसके पहले मेडिकल वार्ड में नर्सों ने मरीज के अटेंडरों से मुंह बात किया और इसके बाद उन्होंने छाटा मारकर अस्पताल के गेट के बाहर खड़े होकर पुलिस को बुला लिया। वार्ड में मरीज की सेवा कर रहे अटेंडर को पुलिस के जरिए हवालात में भेज दिया। मामला यह है कि एक मरीज की हालत सीरियस होने से समस्या बताने आए अटेंडर दुर्योधन शर्मा में नर्स ने छांटा मार दिया। इसके बाद बिफरे मरीजों की पुलिस ने यह एक भी नहीं सुनी और नखरेबाज नर्सों ने आखिरकार अटेंडर को ही हवालात में बंद करवा कर वापस लौटी। परिजनों ने बताया कि आईसीयू मेडिकल वार्ड में भर्ती ओम प्रकाश पुत्र कन्हैया लाल 30 वर्ष निवासी आरोन 4 दिन से अस्पताल में पड़े हैं। मरीज की हालत इतनी सीरियस है कि उनको 4 दिन से कोई आराम नहीं पड़ा। उसकी हालत इतनी सीरियस है फिर भी डॉक्टर उनकी तकलीफ नहीं बता रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं उनको क्या हो रहा है। यह है चाटा मारने की हकीकत। मरीज की हालत सीरियस होने पर नर्स ने शनिवार को बुखार में इंजेक्शन लगा दिया था तो वह बेहोश हो गए थे। इसके बाद रविवार को भी वही स्थिति बनी रही तो मरीज के अटेंडर यहाँ समस्या बताने गए थे और उन्हें आज भी बुखार चढ़ रही है। ऐसे में आप गोली दे दो और बुखार उतर जाए या इंजेक्शन लगा देना। बस यही बात थी कि नर्स भड़क गई और मरीज की बहन को धक्का मार दिया। इसके बाद उनका भाई नर्स के पास गुहार लगाने गया तो उसको भी नर्स ने चाटा मार दिया। थप्पड़ मारा क्या तुम्हें? तो एक काम करो, रिपोर्ट लिखवा करो, थाने में चले जाओ, कोतवाली चले जाओ। किसने मारा? मुझ में मारा ना, मैं इनको थप्पड़ मारा है। कौन बोल रही है? वो मारा गया है। मैंने मारी, इनने मारी। तुम नहीं मारा? मेरे को मुझे मारी, इनने मारी। और थाने ले जाओ और आप भी थाने पहुंच जाओ, ठीक है? आप करवाए, रिपोर्ट करवाए, मैं ऐसे कुछ नहीं है, करवाए बाहर निकाल दिया, कोई इलाज नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा, सिस्टर ने बाहर निकाल दिया, 2000 रुपये मांग रही। अच्छा, जब इलाज हो गए तो इलाज तुम्हें दिखा जाता। तुमने डॉक्टर साहब से बोला? डॉक्टर साहब से बोल रही। खैर, डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं कहते। कौन से डॉक्टर साहब से बोला? कौन से डॉक्टर साहब से बोला था? 15 नंबर मैं जानू नहीं। ये रहता है, सचिन रहता है, दो रात तो बारी।